अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आज आपको दिखा रही हूँ क्वेटा का मौसम। आज बादल हुए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है और यहाँ के पहाड़ बहुत खुशगवार हैं। ये तो बहुत अच्छे वाजिए नज़र आते हैं, लेकिन आज मौसम की वजह से ये गहरे गहरे नज़र आ रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है, काफ़ी अरसे बाद बादल हुए हैं, वरना यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही तेज़ धूप लगती है, बहुत ही गर्म मौसम था। लेकिन देखिए अभी कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बादल हुए हुए हैं, पहाड़ भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी छत पर आई हुई हूँ, सब बच्चे छत पर आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है तो सब इंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो सलार भी उनसे मांग रहा है, सलार भी पतंग उड़ा रहा है, ये भी मौसम इंजॉय कर रहा है। वरना पहले तो बहुत ज़्यादा गहरी धूप होती थी, धूप में जा ही नहीं सकते, तो अभी आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल हुए हैं, धूप नहीं है, तो सब बच्चे छत पर आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इसे पतंग का बहुत शौक है, छोड़ देता है, लेकिन इसको पतंग का बहुत शौक है। तो मेरी अम्मी अब पंजाब में होते हैं, उनसे डेली मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, वो लोग तो तंग है बारिश से, पानी से। तो मैं उनको ये कहती थी कि अम्मी बारिश मेरी तरफ भेज दे, बारिश इस तरफ भेज दे कि यहाँ बहुत गर्मी है। तो अभी अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि आज इधर भी मौसम अच्छा हो गया है, बारिश हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। देखिए आपको भी पता चल रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बाहर घूमने फिरने वाला मौसम है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, लेकिन कल गेस्ट आ गए तो मुझे कुकिंग वगैरह करने में भी बहुत टाइम लग गया, तो कल टाइम ही नहीं मिला कि कपड़े मैं रखती, मैंने ऐसे ही अलमारी में रख दिए थे, तो अभी मैं इनको सेट करके अलमारी में भी रख रही हूँ। कल तो सारा दिन बिज़ी थी, लेकिन जब रात को फ्री हुई तो तब तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं उठी हुई थी और सारा दिन फिर काम में बिज़ी, तो फिर रात तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही अलमारी में कपड़े रख दिए थे। तो अभी फिर नाश्ता कर लिया, तो अभी सफाई करने लगी थी, तो पहले मैंने कहा कपड़े सेट कर लो, अभी कपड़े सेट करके रखूँगी, तो फिर बेडशीट सेट करूँगी, तो फिर रूम की सफाई करके फिर उसके बाद लंच रेडी करना शुरू करूँगी। लंच में आज मैंने बनाना है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बनाऊँगी आज आप लोगों के साथ, चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी जो न्यू स्टाइल में है और उसकी न्यू रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे घर में तो सब बहुत पसंद करते हैं। तो नाभिया का यूनिफॉर्म भी मैंने प्रेस कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट भी नहीं रहती है, लाइट बहुत जाती है, तो जैसे ही सुबह टाइम मिला तो मैंने नाभिया का यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लिया। तो ये सलार सलार बहुत तंग करता है, ये तो बस पीछे पीछे, तो फिर इसको मैंने मोबाइल दे दिए, जब तक मोबाइल देखता रहता है तो मैं फिर इजी रहती हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ, बस इसको मोबाइल दे दे तो इसको किसी की फ़िक्र नहीं होती, मोबाइल में गुम हो जाता है, तो बस इसको मैंने मोबाइल दिया है, ये मोबाइल के साथ लगा हुआ है। तो मैंने फिर अबू के भी काम वाले कपड़े प्रेस कर लिए हैं, अबू के ड्यूटी के लिए कपड़े प्रेस करने थे वो किए, नाभिया का यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लिया है, तो अभी रूम की सफाई कर रही हूँ, तो इसके बाद अभी मैं लंच शुरू करूँगी। लंच में मैंने बताया था कि मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँगी, तो चिकन मैंने पहले वाश करके रख लिया हुआ था, तो अभी कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल और चिकन डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ, इसको बस लाइट सा फ्राई करके तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये फ्राई हो रहा है, इसको मैं अभी ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर तो फिर अच्छे से इसको फ्राई करूँगी, चिकन को अच्छे से फ्राई करूँगी, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करके तो फिर अच्छे से इनको मैं फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा और चिकन का भी कलर जब चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें मैं टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ये फ्राई चिकन फ्राई हो जाए तो फिर इसकी स्मेल नहीं आती है, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, फ्राई करने से पहले नमक ऐड कर लें तो फिर चिकन में अच्छे से नमक जज़ब हो जाता है, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। मैंने कुछ स्पाइसेस निकाले हुए हैं,
तो इसमें पहले स्पाइसेस ऐड करूँगी, तो 5 मिनट तक भून लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। ये कुछ स्पाइसेस हैं, चिकन कढ़ाई है, खुश्क धनिया, धरा मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा है, काली मिर्च मैंने साबुत कुछ दाने रखे हुए हैं, और कलवंजी है, और ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो चिकन फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए चिकन ने अभी काफ़ी पानी छोड़ दिया है, ये पानी खुश्क होगा तो चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी। देखिए इसमें पानी खुश्क हो गया है, तो अभी ऐसे थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। हमारे घर वाले ऐसे सालन नहीं खाते जिसमें चिकन फ्राई ना हुआ हो। तो देखिए मैंने टमाटर का ग्राइंड कर लिया था, टमाटर मेरे फ्रीज हुए टमाटर थे तो इसलिए फिर मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है। चिकन में से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तब इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। अभी स्पाइसेस डाल के 5 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। स्पाइसेस टमाटर से पहले मैंने इसलिए डाले हैं कि टमाटर मैंने आपको बताया था कि फ्रीज़ है तो वो काफ़ी पानी छोड़ देते हैं, तो ये स्पाइसेस मैंने इसलिए पहले डाले हैं कि अच्छे से जज़ब हो जाए, चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। तो 4-5 मिर्ची हैं, ये भी ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, तो फिर उसके बाद इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी, फिर गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। फ्रिज टमाटर थे तो फ्रिज टमाटर काफ़ी पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए इसमें दूसरा पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, चिकन उसी से ही गल जाएगा। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके अंदर अगर दालचीनी होती और मोटी इलायची होती और बादियान का फूल भी होता तो उसकी खुशबू भी ज़बरदस्त थी, लेकिन वो मेरे पास इस टाइम घर में अवेलेबल नहीं थी इसलिए वो मैंने ऐड नहीं की। तो ये मैं टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, इसमें फ्रेश टमाटर हो तो उनकी भी बहुत ही अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है। देखिए हमने टमाटर फ्रीज़ किए होते हैं तो वही यूज़ करते हैं हम। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन देकर तो इसको मैं 5-10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए इसने टमाटरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है क्योंकि ये फ्रीज थे, तो अभी मैं इनके ऊपर ढक्कन देकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी। जब इसमें पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसकी अच्छी से बुनाई कर लूँगी। तब तक ये अनावी आई है मेरे पास, कह रही है कि मामा हेयर स्टाइल देखो, इसकी पुप्पो ने इसका हेयर स्टाइल बनाया, तो ये मुझे हेयर स्टाइल दिखाने के लिए आई है। आज सलाड नहीं है किचन में मेरे पास, वरना हर वक्त वो मेरे पास होता है, तो आज ये अनावी है मेरे पास आई है, आज इसकी बारी है मेरे पास किचन में। ये जो फ्रॉक पहनते थे बहुत खुश होती है, तो ऐसे ही घूमती है। तो टमाटरों का पानी ख़त्म होने वाला है, तो अभी इसको मैं ऊपर ढक्कन नहीं दूंगी, ऐसे ही इसको छोड़ दूंगी। चिकन अच्छे से गल गई है, तो देखिए पानी भी कम हो गया है, चिकन से ऑयल अलहदा हो रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अभी इसको ऐसे ही मैं अच्छे से भून लूँगी, जब चिकन से ऑयल अलहदा हो जाए अच्छे से, तो फिर इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए अदरक मैंने काट के रखा हुआ था, अदरक, सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया, तो वो इसके ऊपर लगा दूँगी। देखें देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस है, बहुत अच्छी कढ़ाई बनी है, सब घर वालों ने बहुत ही पसंद की थी, बहुत ही मज़े से खाई है सबने। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये अदरक के मैंने कुछ पीस काट लिए थे लंबे लंबे स्लाइस, और सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी काट ली थी और सब्ज़ धनिया। तो चिकन कढ़ाई है रेडी, तो अब इसके ऊपर मैंने धनिया डाला है, सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और अदरक डाल दूँगी। तो चिकन कढ़ाई है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा।
हमारे यहाँ बारिश शुरू हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही ठंडा, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, नाबिया भी बहुत इंजॉय कर रही है, सब बच्चे बारिश में नहा रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी चाय बना रही हूँ मैं। वैसे तो डेली हमारे घर में इतनी चाय नहीं बनती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, सिर्फ मैं और मेरे अबू पीते हैं, आई मीन फादर इन लॉ। तो मैं भी कभी कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन मेरे अबू ने, माय फादर इन लॉ ने डेली पीनी होती है। तो अभी आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला मौसम है, और मेरी नंद भी आई हुई थी, नाविया की फूफो आई हुई थी, वो भी अभी वापस गई हैं, तो वो भी सब पीते हैं चाय, तो इसलिए इतनी ज़्यादा चाय मैं बना रही हूँ। आज मौसम अच्छा है तो आज सब चाय पियेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चाय बन रही है। चाय मैं तरंग दूध की बनाती हूँ, बहुत ही गाढ़ा दूध है और इसकी चाय बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनती है। तो अभी आज की इतनी ही वीडियो, अभी फिर मिलेंगे कल की वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।